लखीमपुर खीरी में श्रीनगर से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूलबेहड़ कोतवाली इंस्पेक्टर को जूते से मारने की धमकी देती सुनाई दे रही हैं। सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक का ये ऑडियो आप भी सुनिए। नमस्कार, कहाँ हो? मैं सितारपुर। अच्छा, कहाँ है? वो ही आए थे 25 में। विवेचना, विवेचना में ये कह रहे थे जी, ये बसहा और राजापुर का जो मैटर है, वो बूढ़ा वाला, बेटा इसको तुम जानते नहीं होगे ना, अभी ये कर दोगे कि हमको पता नहीं। राजापुर वाला, राजापुर और ये बसहा वाला जो मैटर है, सुसैया का, विश्वनाथ जी जिसमें है इन्वॉल्व, सुसैया वाला। हाँ, सुसैया वाला जो आज वो संजय है, वो तो नहीं है जो महिला झगड़ा हुआ था? तुम पागल के पागल है नहीं हो का? ये जूता निकाल के मैं चलावे का है? तुम हमसे ही पूछते रहते कि ये कौन सा मैटर है, कौन सा नहीं। देखो ऐसा ना, आपने शब्द क्या कहा मुझसे, अभी ये बता दो पहले। दिवाकर तुम क्यों नहीं सोचते? मैं आपसे कितनी उम्र में बड़ा हूँ? नहीं, बड़े हो तो क्या है, कुछ तुम्हें मालूम नहीं? आप पहले भाषा अपनी सही करो पहले, हम ये ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी हटवा तो मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, आप बदतमीजी बोल रहे मुझसे। दिवाकर ये तुम बताओ जी, तुम हमसे मतलब हमारी बेइज्जती करवा के तुम सही रह पाओगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा ना, आज तक अभी लाइव में 29 साल नौकरी हो गई है मेरी बेटी, आज मैं आपको क्या रहे थे, तुम बताओ। आपने ये शब्द मेरे बाप ने भी नहीं कहा होगा, सुनो पहले मैडम, ये शब्द मेरे बाप ने भी कहा होगा। जब तुम कर रहे हो वो हमारे बाप ने किया होगा ना? नहीं, मैं ऐसी नौकरी नहीं करता हूँ कभी भी। नहीं, तुम नौकरी नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो ये तुम बताओ? मैंने अपने आपकी बात, आप सुनो, नहीं नहीं, आप हम ये बात रिकॉर्ड कर ली, मैं इसमें अगर मैं हटेंगे मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, ठीक? मैंने रिकॉर्ड कर लिया अभी आपकी भाषा को, मैं नहीं की बात नहीं सुनना चाहता। आप मेरी बच्ची के बराबर हो, आप मेरी बच्ची के बराबर इससे भाषा बोल रही हूँ, मुझसे बच्ची के बराबर है, इसके मतलब ये नहीं है कि सरकार की तुम बदनाम। मैं ऐसा है, सरकारी फैसला फैसला आपने करने के बाद लिया, तो हम कराएंगे फैसला, आपने मुझसे कहा था मतलब ये नहीं है। तुम्हारे बताओ, तुम्हारे लोग आए हैं और ये इनका हम क्या जवाब दें? तो आप मुझसे सीधे कहोगे, आप मुझसे सीधे ये कह रहे थे कि विश्वास वाला मामला आप निपटा देना, हम नहीं निपटाए, अभी बिजी हो गए, ये कह दी मुझसे। तुमसे कहा है, ये हमने तुमसे कहा है कि तुम्हारे प्रकरण में विश्वास जी वाले, तुमने कहा कौन सा वाला, तुमको इतना नहीं? नहीं, आपने पहले मैं आपको सब सुना दूंगा कि क्या क्या आपने सब कहा, सुन लेना आप, कि आपने किसी से कोई छैया वाला कह रहा है, कोई राजापुर वाला कह रहा है, कोई बसा वाला कह रहा है। आप उससे ये आप से बात नहीं कर रही थी, सुनो, वो आपस में बात कर रही थी, वो तुमसे बात नहीं कर रही थी, वो तुम जो सुने हो वो तुम्हारा मतलब नहीं था, ठीक? लेकिन तुम कम से कम ये तो समझ लिया करो कि तुम किसको कह रहे हो, फिर बाद में जवाब देते हो हमें। आप पब्लिक के सामने मेरी ऐसी बात करेंगे मुझसे? आप मुझसे यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुमने ये क्यों सोचा कि ये पब्लिक, ये पब्लिक दोपहर इस पब्लिक में मुझसे इनके सामने ऐसी बात करोगे? दिवाकर मेरी बात सुनो जी, ठीक है ना? मैं पब्लिक को अगर कह रही हूँ कुछ तो तुमको, अगर तुम्हारे सामने तो तुम अपने पे क्यों ला रहे हो, ये पहले बताओ। नहीं, पब्लिक आप मेरे लिए कहा शब्द, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज को। तुम रिकॉर्ड की बात छोड़ो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर मतलब हमको अगर तुम्हें सम्मान ना देना होता या बात ना करना? नहीं, आप मुझसे आप एक सभ्यता इदारे वाले विधायक हो, इतनी बड़ी अच्छी पद पे हो। दिवाकर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक? मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती, ये तो पता है, मैं कोतवाली थाने नहीं जाती, ये भी सबको पता है। मैं जितनी सेंस से रहती हूँ ये भी सबको पता है, ठीक है ना? और अगर हजार आदमी हमारे दरवाजे आके हमको सवाल पूछेगा तो मैं तुम्हारे पास जवाब मांगूंगी? आप मेरे पास भेजिए, ये भेज रहे इनकी काम कर देना, मैं काम करना करे तो कहना मुझसे, तो ये कल फैसला हो, ठीक? नहीं नहीं, आप पहले ये तुमसे कह रही थी कि कल का फैसला ये हो, आदमी 50 आदमी हमको सुबह से घेरे हैं और उसके मतलब ये एक बुढ़ी औरत के लिए तुम इतना नहीं कर पा रहे हो? आपने विश्वास अपने पास बुलाया तो हम फैसला करें, वो जगदीश को, जगदीश को मैंने बुलाया नहीं था, वो हमने किसी को नहीं बुलाया था, मेरी बात सुनो, ठीक? तो दोनों आदमी मेरे थे, तो आपने क्यों कहा मुझसे फैसला कराएंगे? मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा था कि हम फैसला कर लेंगे, उनसे फैसला नहीं हो पा रहा, वो 50 आदमी उधर से और 50 आदमी उधर से मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, तो क्या मैसेज जाता होगा सरकार का, आप बताओ? कि मैंने फैसला कर, आप फैसला कर देना। नहीं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? वो अलग बात है, तुमने क्या सुना है क्या नहीं सुना वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो चीज़ कह रही हूँ उतना तुम्हें करना है बस। हम रिक्वेस्ट करने के लिए आप सही नहीं रहो, रिक्वेस्ट करिए, हम गलत भाषा सुन नहीं पाएंगे, बस ये ध्यान रखना। हाँ, तो हमारी भी ध्यान रखना, मैं तुमसे जी हुई और नमस्ते करके ये मैं
पैरों में गिर के तुम्हारे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सम्मान देता हूँ। सरकार का काम तुम भी कर रहे हो, सरकार की काम मैं हम भी कर रहे हैं। जनता का काम करना हमारी हम लोगों का काम है। जी जी, ये तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और ये कोई मतलब नहीं कि अगर किसी हम और को कह रहे हैं तो तुम अपने रिकॉर्डिंग की मैं आपको ऑडियो बना के भेज दे रहा हूँ, आप सुन लेना उसको। आप मेरी बात सुनो ठीक, मैं अगर किसी को कह रही हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग की धमकी मुझे मत दो। अगर तुम्हारे पास जो नहीं होगा, मैं अगर भी खड़ी हो जाऊँ तो 51% आदमी विधानसभा का खड़े होगा मेरे पास। हाँ तो खड़े हो, आप विधायक हो तो खड़े होंगे, हमारे पास थोड़े खड़े होंगे। तो वही तो बात बता रहे थे, उनका काम तुम्हें करना है, इसीलिए तुम वहाँ बैठे हो। जी, और अगर हमको समझाने लगे तो समझाना जरूरी नहीं है, हमको तो समझा के नहीं दे पाओगे। मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप रहना मुझे कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा वो कहीं भी तुम जाओगे सरकार का तुम्हें काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं नौकरी कर लेंगे आप, जरूर थोड़ा कम ठीक हो। मंजू का काम नहीं है, मंजू काम तुम नहीं करवा रही है जी। सरकार का काम करना है, सरकार के नीचे रहना है। सरकार का काम जायज होगा वो निभाएगा। हमारा पर्सन तुम खेत नहीं जोतने आओगे, ना मैं तुमसे खेत जुटवाऊंगी। मैं खेत जोतूंगा नहीं आपका। मेरी बात सुनो ठीक। और ना मैं तुमसे ये कहती हूँ कि मेरे यहाँ घर में आके झाड़ू पोछा करवा के झाड़ू पोछा करवाऊंगी। तो आप मैं काम करने के लिए कह रही हूँ, वो करना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं। कहीं भी जाओगे जनता का ही सरकार का काम, जो जस्ट होगा विधायक वो होगा। हमारे द्वारा मैं नहीं गलत कर पाएंगे। मैं गलत काम नहीं करवाती हूँ, तुमसे 3 महीने से, तुमको भी पता होगा कि मैं गलत काम नहीं करवाती। मैं कब कह रहा हूँ, आप दारू वाले को छोड़ दो, छोड़ दो हमें। तो आप अपनी भाषा में अच्छी लगी, बस भाषा थोड़ा कंट्रोल करो पब्लिक में। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, मेरी बात सुन लो, तुमको मैं 20 बार समझा चुकी। मुझे अगर तुम्हारे क्षेत्र का मैटर मुझे समझाना पड़े तो तुम क्या कर रहे हो आप बताइए ना मुझे। आप फैसला जिम्मेदारी आप ले लीजिए। ये बताओ, तुम अभी तक अपने एरिए का ये नहीं जान पाए हो कि किस का विधायक काम करवा रही, किसका नहीं काम करवा रही। विधायक जी भी तुम्हें पता होना चाहिए, लोकल विधायक सभी आदमी होते हैं। कर मेरी बात सुनो ठीक है, मैं और कुछ नहीं जानती, मैं सही का काम करती हूँ, सही का ही साथ देती हूँ। मैं ना दो नंबर का काम करती हूँ, ना 4 नंबर का काम करती हूँ। इससे तुम्हें जनता का काम करना पड़ेगा, कहीं भी रहोगे उत्तर प्रदेश में, कहीं भी रहोगे जनता का काम और सरकार का करना पड़ेगा। सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, ठीक, ये मेंटेलिटी दिमाग में डाल लेना। बूढ़े हो इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम सरकार का काम नहीं करोगे, और या हम बच्चे हैं तो हम सरकार का काम नहीं करेंगे। तो मेरे सरकार का खा रहे हो, इससे सरकार का काम करोगे। तो आप थोड़ी भाषा कभी सही करो, पहले हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी भाषा सही कर लो। कल को जाओ, लेकिन हमें इसकी मतलब नहीं है। लेकिन जो काम कर रही हो दरवाजे पर, तुम्हारे वहाँ की 50 आदमी हमारे पास खड़े होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक सही से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए 4 लोग हमारे दरवाजे खड़े हैं तुम्हारे वहाँ। वो तो आएंगे, वो तो पैसे ही आएंगे, आपके पास ना काम हो तब भी आएंगे, काम हो तब भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बातें हमसे नाम बताया करो जी। जिसका काम नहीं होगा वो हमारे पास क्या चुंबक थोड़ी लगा दे सबके गाके। आपने जिम्मेदारी ली भाई, आपने जिम्मेदारी ली ना इस चीज करने के, हम करवाए फैसला। मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम क्या करो वहाँ। आपने अरे भाई, आपने मुझे फोन किया कि मैं इनका फैसला करा दूंगा, मेरे पास भेज दो, दोनों पक्ष गए आसपास। हमारा मतलब ये नहीं है, हमने जो कहा है वो करो, उनका कल का कल फैसला हो जाना चाहिए। और मुझे मतलब धमकी देने की कोशिश मत करना आइंदा से। तो मैं डरती नहीं हूँ, और मैं जनपद में कोई गलत काम करती नहीं, और एकमात्र ऐसी महिला विधायक है जो कभी गलत काम नहीं करती और किसी से डरती नहीं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन भाषा अपनी सही बोलो, भाषा ऐसी मत बोलना कभी किसी के लिए। करो तुम हमारी विधायक, ऐसा तुम्हें कभी जीवन में मिला नहीं होगा। मैं ऐसी ऐसी भाषा नहीं सुनना चाहता, मैं ऐसी नौकरी करता हूँ ठीक है। तो तुम नौकरी अपनी करो, हमारी विधानसभा से जाओ, अपना आराम से करो जाके। हाँ पक्का मैं 50 बार तुमको टोकूंगी और कहूंगी भी। नहीं आप काम बताइए कि 10 बार कहिएगा वो काम जो सरकार ने तुम्हारे पे दिया है। नहीं नहीं जो लेकिन अभी ये तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या है। आप 10 बार कहिए लेकिन भाषा सही करके। भाषा कोई मतलब नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश ना करो। मैं सुनने के लिए नहीं पहुंचूंगा मैं आपकी। मैं एक सुनने के लिए पोस्ट नहीं हो, तुम्हें काम करने के लिए पोस्ट हो ठीक है, वहाँ बैठने के लिए पोस्ट नहीं हो ठीक। जो तुम्हारा हमारे सर से बप्पा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो ठीक है। आप भाषा मत हमारा वही रहेगा, आप हमसे इसी भाषा मत बोलना कभी भी। जो मिला है वो सही से करो, और नहीं कर पाओ तो कल के कल यहाँ से जाओ। नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो तो कहीं चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे नीचे रह के मैं कहा तुम जनता की बात सुनूं। तो हमारे वर्मा जी को इसलिए कहा था कि आपने मन का लाना कि वहाँ कोई अच्छा इंसान हो,
और इसलिए तुम्हें लाए थे, लेकिन तुम उस पे खड़े तो खड़े बिल्कुल एक चवन्नी का पैसा नहीं काम कर रहे हो। चलो ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास वही है कि बातें कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, कौन सी विधायक ने बात बताई है उसको फिर सफाई दे, फिर तुम्हें विधायक बताए कि कहाँ से कहाँ क्या हुआ, फिर तुम जानोगे, क्योंकि तुम्हें कोतवाली से तो निकलना नहीं है, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, तुम मीटिंग की बात करते हो, कोतवाली के बाहर निकलते नहीं हो, तुम जानोगे क्या क्षेत्र के बारे में। अच्छा, आपको आपको मालूम है, नहीं निकलते हैं। अपनी भाषा अपने पास रखना और दिमाग सही करके काम करना, ठीक है, सरकार का काम कर रहे हो, मेरा बस में काम नहीं कर रहे हो। आप हमसे लांगे सही करोगे, अच्छी बात करोगे, सही सब काम होंगे, जस्ट काम करेंगे। कुछ नहीं काम हो रहा, दो महीने से क्या काम हो रहा बताओ। कुछ नहीं, मैं बताती हूँ, स्पष्ट मैं करती हूँ, तुमको उसकी बात बताती हूँ, पूरा मैं लिखित दूँ, तब तुम काम कर पाओगे। धमकी देने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं डरती हूँ, मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रखना, मैं किसी को कभी डरती रही, सरकारी नौकरी करते हो, सरकार के नौकर हो, ठीक है ना, मेरे पर्सनल नौकर नहीं हो, मेरी पर्सनल कोई काम यहाँ नहीं है, मैं पर्सनल काम नहीं कराती तुमसे, सरकार के नौकर हो, सरकार का काम करोगे।